ये देखो ये घोड़े देखो आप, कम से कम 40-40 फुट के घोड़े होंगे। यहाँ का अलग ही अनुभूति हो, बिल्कुल जो महाभारत का सीन था वो रिक्रिएट हुआ है, आप देख सको हो। शामी देखो जो तस्वीर है, श्री कृष्ण जी की तस्वीर ये दिखा है, और अर्जुन जी देख रहे हैं। दिखाओगे आपने पूरी की पूरी पिक्चर? देखो चारों घोड़े हैं, जो रथ है अर्जुन जी का, रथ देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण जी गीता का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन जी को। ये देखो आप, क्योंकि जो अर्जुन है उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया था कि मेरे सामने तो मेरे दादा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे चाचा हैं, मैं अपनों को ही कैसे ख़त्म करूं, अपनों पे ही मैं वार नहीं कर सकता, और हथियार फेंक दिया था। ये देखो हाथ कर रहे हैं कि इधर तो मेरे अपने ही हैं, मैं किसके साथ युद्ध करूं। तब श्री कृष्ण जी ने युद्ध के लिए प्रेरित किया था अर्जुन को और बोला था कि तुम्हें जो है कर्म करना पड़ेगा, धर्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा, क्योंकि धर्म यही कहता है कि धर्म की रक्षा के लिए अगर युद्ध भी करना पड़े, सामने चाहे अपने हो चाहे पराए हो, क्योंकि एक इंच भूमि भी देने से मना कर दिया था कौरवों ने, तो इसलिए ये गीता का उपदेश है जो कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। देख लीजिए अब ये नए बनाए, पहले पुराना हो गया था, फिर से दोबारा इसका कायाकल्प किया है, बहुत पुराने टाइम से है ये मूर्ति। देख लीजिए आप पूरे का पूरा रथ और घोड़े, और जो ये ध्वज है ये देख लीजिए, जो सूर्यवंशी ध्वज है, देख लीजिए सूर्यवंशी ध्वज है ये ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल बीच में है। देख लीजिए आप, दूर दूर से विदेशों से भी यहाँ पर सैलानी आते हैं देखने के लिए इस रथ को, ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए। यहाँ खुद श्री कृष्ण जी भी आए थे गोपियों के साथ द्वारका को छोड़ के, युद्ध से पहले भी, और यहाँ उनकी भेंट हुई थी कुंती बुआ के साथ पांडवों से, और उसके बाद ही उन्होंने अपना जो दुख है वो श्री कृष्ण के सामने रखा था, क्योंकि ब्रह्म सरोवर में स्नान करना अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर पुण्य देता है। धूप के कारण थोड़ा सा सफाई में भी ये रहेगा, यहाँ से देखो बिल्कुल साफ दिख रहा है। मेरी ये वीडियो कैसी लगी? देखो चार घोड़े थे रथ में। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना, एक बार और मैं दिखा देती हूँ। ये देखो ये अर्जुन का रथ था, ऊपर आप देख लीजिए हनुमान जी की भी प्रतिमा है, क्योंकि ध्वज के रूप में विराजमान थे ऊपर हनुमान जी, ये भी विशेष महत्व है। एक एक चीज़ ये देखो, शेरों की प्रतिमा है, हर चीज़ को ध्यान में रख के बनाई गई है, क्योंकि पता नहीं कितने सालों से ये बना हुआ, हजारों सालों तक ये रहेगा जब तक। ये देखो आप, संसार रहेगा, सृष्टि रहेगी, जो गीता का ज्ञान है वो अजर अमर है, वो अजर अमर ही रहेगा। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय हरियाणा।